दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डू ऑर्गेनिक में। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैंने बंजर भूमि में किस तरह एक अच्छी खेती की है बिना किसी लागत के। दोस्तों, ये आपको दिख रही है तिली है। दोस्तों, इसमें मैंने कोई भी रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लहलाती फसल है। दोस्तों, मैंने इसमें शुरू में सिर्फ एक ट्रॉली गोबर का खाद डाला था और सिर्फ इसमें अभी कुछ और नहीं डाला है, सिर्फ यही चीज़ डाली है। दोस्तों, मैं आपको इसकी ज़मीन भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल पथरीली ज़मीन है बिल्कुल, और भी मैं आपको फसलें बताऊँगा उसमें भी, आप देखिएगा बिल्कुल बंजर भूमि है ये, बिल्कुल पथरीली ज़मीन है। दोस्तों, जैविक खेती से किसी भी ज़मीन में खेती करना आसान हो जाता है। दोस्तों, आप ज़रूर करके देखना और भी आगे वीडियो को दोस्तों देखें। मैं आपको आगे अपनी और फसल दिखाने वाला हूँ। एक केवल तिली है, इस तिली में मैंने एक ट्रॉली खाद डाला है, सिर्फ गोबर वाला और कुछ नहीं डाला अभी तक। दोस्तों, ये खेत भी आप देखिए बिल्कुल बंजर है। ये मैंने लीज पे लिया हुआ है, थोड़ा कम उसमें मिल गया था इसलिए मैंने ले लिया। दोस्तों, इसको भी देखिए, कोई बंजर वाला बंजर खेत है बिल्कुल। इसमें अगर जैविक का पहले ही उपयोग हुआ होता तो इसमें बहुत अच्छी खेती होती और ज़्यादा। इससे अभी मैंने प्रयोग किया है, इसमें जैविक का प्रयोग किया है सिर्फ। ये देखिए ग्वार की फसल देखिए आप दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों लहला रही है ये। इसमें भी मैंने शुरू में सिर्फ जैविक खाद डाला था गोबर वाला और थोड़ा केंचुआ खाद डाला है। अभी हाल ही में कम से कम 10 दिन पहले मैंने इसमें केंचुआ खाद डाला था। और दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ बातें बना रहा है। दोस्तों, मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ जो मैंने किया है वही। अब मित्रों, ये मेरी बैगन की फसल है। बैगन की फसल में भी मैंने कुछ भी कीटनाशक रासायनिक कुछ भी प्रयोग नहीं किया है, इसमें सिर्फ मैंने जैविक खाद का प्रयोग किया है। देखिए, अभी तो इसमें खरपतवार हो गया है, उसको उखाड़ना बाकी रह गया है, नहीं तो ये बहुत अच्छी फसल दिखेगी आपको। आपको वैसे भी दिख रही होगी। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे हो गए हैं ये। ये सिर्फ एक महीने के हैं कि एक महीने में, अभी मैंने 10 दिन पहले इसमें केंचुआ काट दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको केंचुआ खाद या फिर अन्य खादों को बनाने की विधि चाहिए तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, अब दिखाने वाला हूँ मैं आपको मिर्ची की फसल अपनी। देखिए दोस्तों, मिर्ची की फसल, इसमें भी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सिर्फ इसमें केंचुआ काट दिया है। इसमें पहले कुछ और नहीं दिया था, सिर्फ केंचुआ काट दिया था। ये पीली पड़ रही थी, आपको उसका फोटो देखना है तो मैं आपको बता दूंगा, डाल दूंगा इस पर। अब बिल्कुल दोस्तों हरी हो चुकी है और आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में सिर्फ 5 दिन में बहुत लंबी बढ़ गई है, पहले बहुत छोटी थी। ये सिर्फ दोस्तों केंचुआ खाद या जैविक खाद का ही कमाल है। दोस्तों, अगर आप अपनी खेती को बंजर होने से बचाना चाहते हैं तो ज़रूर आप जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, बस मेरा यही कहना है दोस्तों। और आपको जीरो बजट पर अगर खेती करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जैविक खेती से संबंधित। दोस्तों, यहाँ आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। देखो, तो जैविक खेती बहुत बेस्ट है दोस्तों और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जो मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।